बेसिक आप लोगों को बता ही चुके हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे डिज़ाइन पे और देन देखते हैं क्या होता है क्या राइट। हाउ टू कॉन्फ़िगर एचएसआरपी, सबसे पहले तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। मेंटेन हो चुकी है, देन R3 पे चलते हैं। आईपी एड्रेस दो के साथ में परसेंट मेंटेन होगी, हुई है ना, टू टाइम्स चेक कर सकते हो। इस नेटवर्क में जो भी डिवाइस है, यदि R1 की बात करें तो R2 R3 के साथ है, R2 की बात करें R1 R3 के साथ, R3 की बात करें R2 और R1 के साथ है। इसको एज ए R1 पे जाके आप लोग इसको कंसीडर कर लो। सपोज कीजिए हेड क्वार्टर, ठीक है ना, तो जो आपका लैन है, कल मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी, डिस्कस की दिया कि जो R4 है आपकी एंड मशीन है, तो R4 को 80 पर रीच करने के लिए गेटवे कितने हैं, टू गेटवे, 10.2 और 10.3। बट जो मैं एट ए टाइम गेटवे कंफ्यूर कर सकता हूँ, कितना गेटवे कंफ्यूर कर सकता हूँ, ओनली 1, या तो 10.2 या 10.3। एंड मशीन पे भी आप जाके देखते हो, आईपी एड्रेस डिफाइन करते हो, सबनेट मास्क डिफाइन करते हो, देन गेटवे, राइट और नॉट। तो सपोज करो हमने 10.2 से ट्रैफिक दे दिया, अब 10.2 बर्न हो जाए या डाउन हो जाए, तो हाउ टू पॉसिबल जो आप 10.3 दो। अब पैसा तो है नहीं कि एंड यूज़र को कॉल करोगे और गेटवे चेंज कराओगे, राइट और नॉट, दैट्स आर नॉट पॉसिबल। आप लोग डोंगल यूज़ करते हो, आप लोगों को क्या चाहिए, प्लग एंड प्ले कनेक्टिविटी, राइट और नॉट। आपको मीनिंग नहीं है कि गेटवे क्या है क्या नहीं, तो एंड यूज़र को 100% क्या चाहिए, रिलायबल कनेक्टिविटी 24x7x365 days, क्योंकि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं, पे। और ये आपका हेडक्वार्टर, तो ये दो है सर्विस प्रोवाइडर जो आपको 10.4 को रीच करा रहे हैं 80.1 तक, ओके। तो 10.4 एक एंड मशीन सपोज करके चल रहे हैं, तो इसको होस्ट सपोज करेंगे, नेम भी चेंज कर देते हैं इसका, conf होस्ट टाइप, ठीक है, तो इस पर कमांड टाइप कर देते हैं नो आईपी राउटिंग, तो राउटिंग फंक्शन क्या हो चुका है, डिसेबल, ओके। इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस बोलो, नो
then IP default gateway 10.001. यदि मैं यहाँ से ping करूँ क्या fit होगा? Not possible. जो 80.1 तक reach करे. Okay. आ रहा है ना डॉट 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 का मीनिंग क्या है? आर टी ओ रिक्वेस्ट टाइम आउट, रीचेबिलिटी नहीं है. तो रीचेबिलिटी के लिए क्या यूज करें? गेटवे डिफाइन करें. बट 10.1 तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. 10.1 को हम लोग क्या कंसीडर करके चल रहे हैं? वर्चुअल आईपी, राइट, वर्चुअल आईपी एड्रेस. बट वर्चुअल आईपी एड्रेस आप लोगों ने कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया. उसके लिए देखते हैं क्या. दोस्तों 10.4 ने रीच करना है कहाँ पर? 80.1 पर. तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? HSRP. R2 पे चलते हैं और कमांड टाइप करते हैं prompt इंटरफेस F0/0 हाउ टू अनेबल HSRP. तो HSRP से अनेबल करने से पहले हम लोग क्या अनेबल कर दें? एक डिबगिंग ऑन कर दे कि HSRP को कॉन्फिगर करने के लिए क्या प्रोसेस रन होगा. तो डिबग स्टैंडबाय रन किया, देन इंटरफेस. दैट्स आर नॉट मैंडेटरी डिबगिंग, दैट्स आर ट्रबल शूटिंग कमांड कि हाउ टू अनेबल HSRP. देन सिंपल स्टैंडबाय, देन क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क के बाद क्या बोल रहा है? ग्रुप नंबर, राइट. तो मैं ग्रुप नंबर क्या डिफाइन कर रहा हूँ? 1. उसके बाद है कमांड IP. क्या है कमांड? कमांड टाइप होगी थी शो स्टैंड बाई. दैट कमांड वी कैन चेक HSRP स्टेटस. तो इसके लिए रन कर लेते हैं डीबग स्टैंड बाई और कमांड टाइप करते हैं इंटरफेस पे जाके लैन पर, जो आपका R2 है उसके लैन पर डिस्कस कर रहे हैं R2. देन स्टैंड बाई 1, ये ग्रुप नंबर है, कोई भी ग्रुप नंबर ले सकते हो. 1, देन कमांड है IP और वर्चुअल आईपी एड्रेस, यही है ना, एंटर. जैसे मैंने एंटर किया तो दोस्तों प्रोसेस चल रही है और क्या आ रहा है? HSRP अनेबल्ड, राइट. और लिसन, लिसनिंग स्टेट में है अभी, कंसीडर कर रहे हैं अपने आप को बैकअप. बैकअप अब ये स्टेट बैकअप टू किस में आया? स्पीक में. स्पीक में, स्पीक के बाद क्या है? कंटिन्यू स्पीक है. और क्या बता रहा है? एक्टिव राउटर इज लोकल स्टैंड बाई. पहले अपने आप को इसने कंसीडर किया एज ए स्टैंड बाई, अब क्या बन चुका है? एक्टिव, क्योंकि इस नेटवर्क में ना तो कोई स्टैंड बाई ना कोई एक्टिव. तो अपने आप को इसने क्या कंसीडर कर लिया? एक्टिव. दैट कमांड वी कैन चेक शो स्टैंड बाई. क्या आ रहा है? स्टेट इज एक्टिव. हेलो टाइमर कितना बताया था? होल टाइम 10 सेकेंड. और वर्चुअल मल्टीकास्ट एड्रेस 4x0.0c07.ac01, यही नोट कराया था. दैट्स आर मल्टीकास्ट एड्रेस. ओके, जो आप लोगों का HSRP का एक्टिव का इलेक्शन होता है, सबसे पहले क्या देखता है? प्रायोरिटी. क्या देखता है? प्रायोरिटी. प्रायोरिटी इफ मैच कहाँ कहाँ पे? R2 और R3. सपोज करो आपने R2 और R3 पर क्या अनेबल कर दिया एट ए टाइम? HSRP. तो सबसे पहले क्या देखेगा? प्रायोरिटी. और प्रायोरिटी इफ मैच, देन नेक्स्ट क्या देखेगा? हाईएस्ट एक्टिव आईपी एड्रेस, राइट. तो बताओ R2 और R3 में हाईएस्ट एक्टिव आईपी एड्रेस कौन है? R3 का आईपी एड्रेस हाईएस्ट है बिकॉज ऑफ 10.3. बट R2 बना क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ FIFO. क्या हुआ? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. क्योंकि R2 ने वेट किया 10 सेकेंड. 10 सेकेंड क्या होता है? होल टाइम. R2 ने 3 टाइम हेलो सेंड की, क्योंकि 3 × 3 + 3 + 3 कितना हुआ? 9. उसने 3 टाइम्स हेलो सेंड की, बट R3 ने क्या नहीं दिया उसका रेस्पॉन्स. क्यों नहीं दिया? क्योंकि HSRP तो HSRP की स्टेट में नहीं है. हाँ, आप लोगों ने दोनों एट ए टाइम कॉन्फिगर किए होते तो कौन बनता एक्टिव? R3 यार. FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चला. अब मैं चलता हूँ कहाँ पर? R3 पर. और कमांड टाइप करता हूँ डीबग स्टैंड बाय कॉन्फ टी इंटरफेस F0/0 स्टैंड बाय 1 IP 10.001. देखते हैं क्या होता है.
प्रायोरिटी 100 बता रहा है कि जो नेटवर्क में एक्टिव है वो कौन है, 100 है उसकी प्रायोरिटी, स्पीक स्पीक टू एक्टिव प्रायोरिटी 100, क्या बना, शो स्टैंड बाय, स्टेट इज स्टैंड बाय. तो एक्टिव राउटर इज 10.02 और स्टैंड बाय इज लोकल. आना भाई R4 पे बैठ के पिंग करना, क्या रीचेबिलिटी है, ट्रेसर्ट करें जो ट्रेस रूट 80.001 जो नेटवर्क में अब आपका एक्टिव है वहां से आपका लिंक आउट. अरे राइट और नॉट, 10.02 ही है ना. अच्छा जी, अब सपोज करो आपका R2 पे जाके चेक करूं, शो स्टैंड बाय, एक्टिव तो बता रहा है लोकल और स्टैंड बाय किसको बता रहा है 10.3, और मैं इस लिंक को कर दूं अब डाउन शट, या तो क्रैश हो जाए राइट, कुछ भी, ये लिंक हुआ क्रैश राइट. क्रैश करते ही मैं कहां पे चला, R3 पर, और क्या बन चुका है, अरे राइट और नॉट, स्टैंड बाय टू एक्टिव, एक्टिव राउटर इज लोकल है ना. आना एंड मशीन पर R4, अब कहां से गया पैकेट, क्या मैंने एंड मशीन पे कोई गेटवे चेंज करने की रिक्वायरमेंट आई, ऑटोमेटिक किसने गेम प्ले किया, HSRP ने, राइट और नॉट, बेटर ऑप्शन है ना. अब सपोज करो आप लोगों का R2 क्या हो जाए, अप नो शट राइट, और कमांड टाइप करता हूं शो स्टैंड बाय, तो स्टेट किस में है, लिसन में है राइट. लिंक अप हुआ, पहले तो नेबरशिप मेंटेन करेगा क्योंकि लिंक डाउन हुआ था, ओ नो शट करते सॉरी, हो चुका है नेबरशिप मेंटेन, अप हुई, स्टेट अप शो स्टैंड बाय, स्टेट इज स्पीक, ये क्या बना स्टेट, ये स्टैंड बाय में रहेगा. पहले जो HSRP की स्टेट होती है वो किस में आती है, स्टैंड बाय में, फिर वो सर्च करती है एक्टिव अवेलेबल और नॉट, इफ एक्टिव अवेलेबल तो किस में स्टे करेगा, स्टैंड बाय में, इफ स्टैंड बाय नॉट, इफ स्टैंड, इफ एक्टिव नॉट अवेलेबल देन स्टैंड बाय टू एक्टिव. देखो डन, अरे स्टैंड बाय है ना ठीक. अब सपोज करो आप लोगों ने यहां से जो लिंक ले रखा है वो ले रखा है 1 GB का, हो सकता है ना, और यहां पे चल रहा है आपका बताओ 100 MB, बेटर कौन सा है, 1 GB, बट HSRP किस पे काम करता है, फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भाई. कब मेरा R2 अप ही नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब तक R3 डाउन ना हो, क्या करें. तो दोस्तों इसके लिए है कि जैसे मेरा R2 डाउन हो, सुन रहे हो, R2 डाउन हो तो R3 क्या बन जाए, एक्टिव, बट जैसे R2 अप हो फिर R2 क्या हो जाए, एक्टिव. तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक आ रहा है आपको प्रायोरिटी, क्या आ रही है, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 100, तो इस प्रायोरिटी को क्या करेंगे चेंज, और जैसे प्रायोरिटी चेंज होगी ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा, एक्टिव. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑलवेज प्रेफर्ड, कौन पी आ रहा समझ में, इंटरफेस F0 R2 पे चलते हैं. अरे क्वेश्चन क्लियर है, जो पूछा था स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी, क्या है प्रायोरिटी की रेंज, काफी है ना, क्या कर दूं 101 दोस्तों, दिए ना एक्टिव कंफ्यूज हो रहा है, क्या रही है 101, बट अब भी क्या है स्टैंड बाय, क्यों है स्टैंड बाय, इफ यू चेंज प्रायोरिटी तो फर्स्टली चेंज, ये क्या आ रहा है प्रिंसन डिसेबल्ड, ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, इलेक्शन प्रोसेस, किसका इलेक्शन प्रोसेस, HSRP, और यदि HSRP का री अगेन इलेक्शन चाहते हो तो आप लोगों ने प्रिंसन क्या करना होगा, अनेबल, जैसे आप
स्टैंड बाई वन और कमांड टाइप करनी होगी प्रिंट। जैसे आप प्रिंट टाइप करते हो क्या चेंज हुआ? अरे हुआ चेंज, ये क्या बन चुका है अब एक्टिव। करना चेक, स्टेट इज एक्टिव और जाना एंड मशीन पर। अरे काफी लोग कह रहे हो पिंग करके दिखाओ, पिंग भी समझ गए होंगे ना, पिंग तो कर ही रहा है जब ट्रेस रूट के थ्रू रीचेबिलिटी है ना। बट आप लोगों के सिंबल जब तक दिखाई ना दे दे सक के दायरे में रहते हो ना। ओके ओके राइट, अब मैं आर टू को अगेन क्या करूं, सपोज करो ऑफ एंड एफ जीरो स्लैश, ठीक है। अब यहां से पिंग करो, अब तो समझ गए होंगे सर। अब स्टेटस पे चले जाओ, हाँ थ्री क्या बन चुका है, स्टैंड बाई टू एक्टिव। चेक करें क्या हो चुका है, क्या बन गया, कर भी लेना अभी मैंने तो करके दिखा दिया। नहीं सर ऐसा थोड़ी है, सब पे एनेबल रखो, डिपेंड्स ऑन यू। एक एक्टिव होता है, एक स्टैंड बाई होता है और डिवाइस से भी और अनदर क्या होते हैं, स्टैंड बाई अदर। एट ए टाइम वन एक्टिव अनदर स्टैंड बाई और मे बी अनदर राउटर सो, तो सब पे और क्या होंगे, स्टैंड बाई अदर। आ रहा हूँ उस पर, क्लियर, ठीक है भाई। अब सपोज करो आपका लैंड डाउन नहीं हुआ, वेंट डाउन हो गया। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो मैंने लेंथ बिहाफ से बता दिया, अब थोड़ा वैन देखते हैं। सपोज करो अब आपका लिंक लेंथ डाउन नहीं हो, वैन इंटरफेस डाउन हो गया, क्या होगा फिर देखते। आर टू कॉन टी एंड एफ जीरो स्लैश जीरो शट, ओ सॉरी है ना, मैं वैन को डाउन कर दूं, बताइए कमांड, शट डाउन, ठीक है। और मैं आर फोर पे जाके देखता हूं, पहले तो आर टू पे जाके देखता हूं, आर टू क्या हुआ, शो स्टैंड बाई एक्टिव ही है, क्यों चेंज हो, चेंज लैन में थोड़ी हुआ है, वैन में। तो मैं आर फोर पे जाता हूं, रीचेबिलिटी, बट कैसे रीच कर रहे हैं, पहले कहां पे गया ट्रैफिक, 10.2 पर, फिर ट्रैफिक कहां पे गया, 3 पर। बट सर वेरी हाई लूप ना, आई डोंट नो क्या किया जाए। अब हम बोलते हैं कि जैसे लिंक डाउन हो, अब दोनों पे आप लोगों ने क्या एनेबल करना होगा, एक्सीलेंट, प्रिम्सन अनेबल करना हो दोनों पे। अरे आगे केस वन में मैं चाहता हूं आर टू का वेन डाउन हो तो ऑटोमेटिक आर थ्री क्या बन जाए, एक्टिव। बट अभी आर टू क्या है और आर थ्री क्या है, इफ एक्टिव नॉट अवेलेबल एक्टिव लिंक देन मूवमेंट ऑन द राइट और नॉट, ऐसा ही हो रहा है। तो आर थ्री पे चलते हैं और दोनों पे दोस्तों आप लोगों ने इस केस को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दोनों पे क्या एनेबल करोगे, स्टैंड बाई वन प्रिंट। अब तो इलेक्शन होगा नहीं क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 100 और उसकी क्या है 101, वही क्या रहेगा एक्टिव। आप ऐसे चेंज थोड़ी करोगे बार बार आप लोग, ऐसा केस हो तो आर टू पे जाके ट्रैक ऑब्जेक्ट कंपेयर कर दीजिए, क्या आ रहा है, स्टेट इज एक्टिव। ओके स्टैंड बाई वन ट्रैक, क्या कौन
ट्रांसफर कर दिया, स्टैंड बाई वन ट्रैक S0 स्लैश गया ना स्टैंड बाई में, गया ना, कैसे गया, शो स्टैंड बाई, क्या बता रहे हैं, ट्रैक इंटरफेस S0/0 स्टेट डाउन डिक्रीमेंट 10, कितनी थी इसकी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कितनी कर दी 101 से, क्या कर दी कन्फ्यूड है 101 और क्या बना दी 91, जैसे क्या हुई प्रायोरिटी डाउन तो क्या बन गया आपका R3 स्टेट इज एक्टिव, राइट और नॉट। अब लो फिर लिंक को क्या कर दो, अप कर दो, कौन टी इंट S0/0 नो शर्ट कर दिया ना, अप करते ही क्या बन जाएगा स्टेट अप एक्टिव आ गया ना, शो स्टैंड बाई एक्टिव है ना, और बता दिया ट्रैक इंटरफेस इज अप, कौन सा ट्रैक किया था S0/0 अप डिक्रीमेंट 10, कि जैसे डाउन होगा, जैसे डाउन होगा तो डिक्रीमेंट कितना कर दिया जाएगा 10, आया समझ में, सुनो अब मैं R4 हाँ वैल्यू बढ़ा सकते हो बट बाय डिफॉल्ट 10 का है, तो 120 तो माइनस 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, अब सपोज करो आपका आर 10.4 से हैंड मशीन से पिंग करता हूँ, उदाहरण 10.2 से, अब आपका 10.2 क्या हो जाए डाउन, लैन नहीं वैन इंट एफ S0/0 शर्ट, जैसे शर्ट किया आना फोर पर ट्रेस रूट, कहाँ से गया 3 से, और आना R2 पर, क्या बता रहे हैं स्टेट इज स्टैंड बाई, बेटर ऑप्शन है ना, नेक्स्ट है R2, R2 पे मल्टीकास्टिंग देख लियो, डीबग IP पैकेट, तो मल्टीकास्ट एड्रेस शो करेगा 224.002, कल यही नोट कराया था 10 तो पता है आप लोगों को ESGRP और 2 HSRP राइट, और आप लोगों ने अनडीबग ऑल इसमें और R&D करनी हो तो इंटरफेस F0/0 स्टैंड बाई 1 क्वेश्चन मार्क, टाइमर चेंज करना हो टाइमर, ट्रैक बता दिया, प्रिंट बता दिया, मैक एड्रेस IPv6 फॉलो ऑथेंटिकेशन, ये आप लोगों कुछ फॉलो ऑथेंटिकेशन ये आप लोगों के टॉपिक इसके CCNA राइट और CCNA, टाइमर आप चेंज कर लेना, प्रिंट आप लोगों को बता दिया, प्रायोरिटी आप लोगों को बता दिया राइट। दोस्तों आपका ये कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं NTP, NTP एक स्मॉल प्रोटोकॉल है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल राइट। तो NTP मैं चाहता हूँ कि R2 मेरा क्या बन गया नेटवर्क के अंदर, NTP सर्वर बन जाए, और जो भी अपडेट हो नेटवर्क में किसकी अपडेट टाइम्स की, वो टाइम की अपडेट कौन करे R2, जो R2 पे टाइम कॉन्फिगर करेंगे वही सिंक कहाँ पे होगा R3 पे, सभी राउटर्स पे हेडक्वार्टर, या R1 को हेडक्वार्टर पे ही कॉन्फिगर करते R1 पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना होगा, शो क्लॉक दैट कमांड वी कैन सेट डेट एंड टाइम, तो मैं डेट एंड टाइम सेट कर रहा हूँ, क्या कमांड टाइप करोगे क्लॉक सेट, क्वेश्चन मार्क दे सकते हो, आवर्स मिनट सेकंड ओके, आज है जैसे 6 जन 2016, तो टाइम अपडेट हुआ, शो क्लॉक टुडे इज वेडनेसडे, अरे राइट और नॉट, जेन 6, यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ Conf NTP master NTP peer
हेडक्वार्टर का कोई भी एक आईपी, सपोज करो क्या ले लिया, अरे 80 ना, एंटर, ये 80 रीच करना चाहिए, बिल्कुल पिंग, एब्सोल्युटली शो क्लॉक, ये टाइम है, ये सेम टाइम कहाँ पे होना चाहिए हमारा, आर टू पे जाइए और कमांड टाइप कर दीजिए, वेरी वेरी सिंपल, एनटीपी टीआर 80001 शो क्लॉक, कुछ टाइम लगेगा सिंक होने में, क्या कमांड टाइप करोगे, शो क्लॉक, टाइम पीरियड को छोड़ के, ठीक है, यूटीसी राइट और नॉट, कहां पे आओ, आर थ्री पे, क्या कमांड टाइप कर दो, NTP पहले चेक कर लो, शो क्लॉक है ना, समथिंग समथिंग, क्या टाइप करें, NTP पीयर क्या है, कोई टाइम चेंज कर दो, कहां पे हेडक्वार्टर पे, कहां पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, एनटीपी पोर्ट नंबर 123 यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल, ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं समराइजेशन, हाउ टू कॉन्फिगर समराइजेशन, यहाँ पे रनिंग है, 10.2 यहाँ पे रनिंग है, और ये HSRP 500 रनिंग है, कुछ एड्रेसेस हैं 192.168.168.1.100/24 इसको जीरो ले लो चाहे, क्यों 24, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट, हाँ ये तो कुछ भी हो सकता है ना, 1.2.254 एनी आईपी, ओके, अब इनको कहां पर डिजाइन कर देता हूं, आर वन पे कॉन्फिगर कर लेता हूं, तो सबसे पहले तो राउटिंग कॉन्फिगर कर लें, इंटरफेस /0/0 आईपी एड्रेस, जीरो तो सपोर्ट नहीं करेगा ना सर जी, नेक्स्ट 101, नेक्स्ट 10, 2 था 3 था, नेक्स्ट 100.0, नेक्स्ट क्या है, सर फिर तो क्लास फुल हो जाएगा ना, ऑल नेटवर्क एडवर्टाइज हो जाएंगे, दैट्स अ रॉन्ग वे राइट, यहाँ पे हम प्रॉपर मैनुअल कंफिगर करें, वो तो टेस्टिंग में होता है, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करता, ओह सॉरी 10 का तो एडवर्टाइज किया ही नहीं, क्यों, जो मेन चीज है नेटवर्क 10.00,
आर टू पे चलते हैं। यहाँ पे 0.0 ले सकते हैं, नो इशू। तो नेबरशिप आपको होनी चाहिए, आप शो आई पी आई जी आती नेबर शो आई पी रूट, राउटिंग टेबल में रूट अवेलेबल है। कितने रूट अवेलेबल है? 4 रूट है। मैं चाहता हूँ, अब भाई ऐसा ही हुआ ना, ये मैंने कहाँ पर एडवर्टाइज किए, R1 पे, R1 ने एज इट इज कहाँ पर अपडेट कर दिया, R2 पर। मैं चाहता हूँ कि इनका क्या निकले आए, समराइजेशन। तो आप लोगों को बताया था क्या निकलेगा समराइजेशन वैल्यू, 168.100.0/22। तो कॉन्फिगर करते हैं, हाउ टू कॉन्फिगर समराइजेशन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रन करूंगा दोस्तों कमांड बिकॉज ऑफ शो आईपी प्रोटोकॉल। क्या आ रहे हैं? ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट। तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, कॉन्फिग राउटर EIGRP 500 नो ऑटो समरी। इसका बिहेव कराऊंगा क्लास लेस का, राइट। देन एग्जिट एंड इंटरफेस पे आइए और कमांड टाइप कीजिए आईपी समरी एड्रेस, क्या है, R1 के सीरियल पर, देन EIGRP 500, राइट। और देन टाइप कीजिए समराइजेशन एड्रेस 192.168.100.0 यही था, देन स्लैश कितना था, क्या होगा 22 था तो क्या बनेगा, अरे यार 22 नहीं निकाला था, ये स्लैश 22 बताइए 252.0 एडवर्टाइज कर दे, हैकर के टेकिंग के चांसेस होते हैं, एक्सेप्ट करें। समरी कॉन्फिगर, रीसिंक का मैसेज आया, R2 की राउटिंग टेबल का साइज देखना क्या हुआ। बिल्कुल, कहाँ पे आइए, R2 पे, और राउटिंग टेबल का साइज देखना, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज हो गया ना समराइज, और कर लो पिंग 192.168.101.1 रीचेबल है ना। पहले हम लोग क्या देखते थे यार, टू तो है ही नहीं कि नेटवर्क तो, पहले हम लोग क्या देखते थे कि रूट अवेलेबल है या नहीं, अब क्या है, शो आईपी रूट, और हमें क्या बता रहे हैं, डी स्टैंड्स फॉर क्लियर। R1 पे आना और कमांड टाइप करना शो रन, आईपी समरी एड्रेस EIGRP, ये वैल्यू मैंने टाइप नहीं की थी ना, ये 5 जो समराइजेशन की AD वैल्यू होती है, क्या होती है समराइजेशन AD वैल्यू, वो क्या होती है 5। चलो R1 पे देखिए, एक एंट्री आ चुकी है शो आईपी रूट, देखना कुछ न्यू एंट्री आई है, क्या आई है, इज ए समरी नल 0, मीनिंग सबसे पहले कहां पे चेक होगा, कनेक्टेड इफ अवेलेबल ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इफ नॉट मैच तो क्या कर देगा उसको, नल, नल बोले तो डिस्कार्ड, फॉर लूप अवॉइडेंस टेक्निक। इसका मीनिंग क्या है, लूप अवॉइडेंस टेक्निक, यहां पे तो वो क्या करेगा मैच, और नहीं हुआ तो उसको क्या कर देगा, ड्रॉप,